जनपद संभल की बहजोई कोतवाली क्षेत्र में बोरिंग की कुइया से ईंटें निकालते समय मिट्टी में दबने से दो की मौत। आपको बता दें कि प्रशासन के काफी समझाने के बाद भी लोग नहीं समझते और बोरिंग की कुइया में घुसकर ईंटें निकालते समय हादसों का शिकार होकर अपनी जान खो देते हैं। पूरा मामला जनपद संभल की बहजोई कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बेरीखेड़ा का है, जहाँ पर रहने वाले छोटे लाल के खेत में बनी बोरिंग की कुइया में लगी ईंटों को निकालने के लिए नेम सिंह और रिंकू कुइया में घुसे, लेकिन ईंटें निकालते समय ऊपर से गिरी मिट्टी में दब गए, जिसके बाद कोतवाली पुलिस और अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके का मुआयना करने के बाद जेसीबी की मदद से खुदाई करके रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और उसमें फंसे दोनों लोगों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया, जहां पर डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इस विषय में अग्निशमन विभाग के उप निरीक्षक खुशनूद ने बताया कि बहजोई कोतवाली क्षेत्र ग्राम बेरीखेड़ा में बोरिंग की कुइया में दो लोगों के फंसे होने की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू करके दोनों को बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया, जहां पर दोनों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। ये लगभग 5 बजे के करीब में गांव में एक छोटे लाल नामक व्यक्ति का खेत है, उसमें समरसेबिल लगा था। समरसेबिल में जो कुइया बनी थी वो कुइया ईंटों की बनी थी। उन ईंटों को नीचे से निकालने के लिए नेम सिंह और उनका भांजा रिंकू, ये दोनों उस कुइया में उतरे और ईंटें निकालने लगे। ईंटें निकालते वक्त ऊपर से ढांग गिरी और ये दोनों आदमी उसमें दब गए। हम लोगों को जैसे सूचना मिली अपनी यूनिट के साथ में, हम वहाँ पर पहुँचे, जाके देखा तो कुइया में ये दो, एक नेम सिंह और एक उसका भांजा, लगभग कोई 13-14 साल का होगा, वो दबे पड़े थे। रेस्क्यू के लिए जब मुआयना किया तो काफ़ी लगभग 25-26 फीट नीचे थे, तो वैसे निकालना और जल्दी निकालना संभव नहीं था, तो जेसीबी को मंगाया गया। जेसीबी से उसको खुदवा करके बड़े सूझबूझ के साथ, कोई उनको चोट न लगे, और उसको खोदा गया, खोदने के बाद रास्ता बनाया गया और फायर सर्विस की टीम ने अंदर घुस करके उन दोनों को निकाला। निकालने के बाद में एम्बुलेंस बुलाई गई, एम्बुलेंस में दोनों ही व्यक्तियों को भर्ती करके और अस्पताल भिजवाया गया। हमारी टीम में श्रीमान सीएफओ महोदय भी थे, उनके निर्देशन में ये सब काम हुआ। मैं प्रभारी फायर स्टेशन चंदौसी खुशनूद हुसैन, ड्राइवर ओम सिंह, ड्राइवर धनीराम और हमारे जो अंदर कुएं में उतरे वो क्या कहते हैं, जितेंद्र कुमार, आरुतोष और सुरभित कुमार, ये नीचे उतरे, ऊपर से गौरव कपासिया, आकाश कुमार, इन्होंने सभी ने बड़ी मेहनत के साथ में कार्य किया और अपने रेस्क्यू को पूरी तरीके से संपन्न किया।